डांस सिखाया तुमको, मजा आया है ना ऐसे भाई? बहुत ही आसान सा गेम है। अब देखना यह कि ये लाख रुपए कैश आप लोग यहां से ले जा पाती हैं या नहीं ले जा पाती हैं। बहुत ही आसान है। चुप चुप बात करने दो हमको। मेरी बहन माइक उठाइए, दोनों माइक उठा लीजिए। क्या नाम है आपके? दुआ। और आपका? मासूमा। मासूमा की दुआ पूरी होगी। आप भाई अब करना क्या है? आपके सामने 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त 5,000-5,000 की गड्डिया है, 10,000 की गड्डिया भाई, 5,000-5,000 की 20 गड्डियां आपके सामने पड़ी हुई हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके 3 ऑप्शंस होंगे, आपको जो ऑप्शन सही लगता है आपने उस ऑप्शन पे ये सारे के सारे पैसे रख देने। अगर आपको लगता है ए ठीक है तो उधर, बी ठीक है तो उधर, अगर आपको नहीं है पता तो डिवाइड करेंगे उस हिसाब से जिस पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हर बार आपको पैसे रखने ज़रूरी है, ऐसे साइड पे होंगे नहीं। पहले सवाल के जवाब के लिए 1 मिनट है, दूसरे के लिए 40 और तीसरे के लिए 30 सेकेंड। तो शुरुआत कर रहा हूँ, पहला सवाल आपसे जीत के दिखाओ में वो है ये, लीबिया किस बर आजम में वाक़ है? ए यूरोप, बी अफ्रीका या फिर सी एशिया। आपका 1 मिनट का वक्त शुरू हो चुका है, फैसला करें। मासूमा साथ ही है ना आप लोग, एक दूसरे को जानते हैं ना? मेरी भाभी हैं। भाभी के करीब आओ, इतना फड्डा किस बात का है? ऐवे ही तो मैं नन ड्रामा नहीं बनाता हूँ, देख रहे हो ये मामला चल रहे है। वक्त जा रहा है लड़कियों, मासूमा खुश हो गई लड़की कहने पर अचानक से, जल्दी इससे मासूमा। लीबिया किस बर आजम में वाक़ है? यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया। क्या कर रही हो अंदर? यहाँ पे रखने, ऊपर ऊपर, ठीक है हो गया, की बात लॉक कर दे। ओके ये क्या किया? यूरोप में भी है, एशिया में भी है, कोशिश की है। अच्छा वाह बड़ा कमाल किया भाई, 10,000, 20,000, 25,000 यहाँ पर, इसका मतलब है 75,000 रुपए इन्होंने रखे हैं सी एशिया पर। सवाल करेंगे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से। हाँ लड़के काफी पढ़े लिखे लग रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो नाम भी बोल। अच्छा वो बराबर में पूछ रहे, मैं पढ़ा लिखा हूँ। क्या शामिन नाम है? शामिन किधर है बेटा? लीबिया कहाँ पर है? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में? बी में। बी में मतलब बी क्या है? बी में, यूरोप में, लीबिया यूरोप में, पूछ रहा हूँ तुझसे, मुझे क्या पता, वो बताएंगे। सर क्या नाम है सर आपका? कामरान। कामरान साहब कहाँ पर है? एशिया। एशिया में है, ओके बहन आप भी बता दें, माइक पे दे, माइक दे। क्या नाम है आपका? लिजना। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका, एशिया, तुमने यूरोप पहुँचा दिया है, मुझे लग रहा है पंजाब में है भाई। सही कह रहे हैं, क्योंकि सब तो वहीं से निकल रहा है। अब भाई देखते हैं क्या किया। 5 सेकंड दे रहा हूँ बहन, फैसला करना है कर लो, और आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। गए छोड़ दो। अच्छा 5 सेकंड बातें करने के लिए, 5 सेकंड में एक दूसरे को देखा है उन्होंने सिर्फ। मैं इससे बात करूं, पूछ रही थी फात भाई। तो पूछ लिया, कहाँ रखने हैं? रखो सारे सारे के सारे। हो गया कर दिया। अब क्या रखो? 30,000 निकाले। ये 5,000 यहाँ क्यों रखे? ये भी यहाँ रखे। अच्छा अच्छा भाई, अब 25,000 रुपए फिर इन्होंने रख दिए अफ्रीका, और अगर यूरोप हुआ तो? अब आप डराए नहीं मुझे। अच्छा ठीक है ओके। अगर यूरोप हुआ तो तुमको 10,000 रुपए दूंगा। ओके हो गया, 20,000 देंगे यार, तेरी टेंशन नहीं ले। ओके तो शुरुआत करते हैं, लेट्स सी क्या है सही जवाब। लीबिया किस बर आजम में है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया। इन्होंने रखे 25,000 रुपए अफ्रीका पर और 75 एशिया पर, और सही जवाब है ओ भाई। खुश कैसे हो रही है? मैंने कहा थैंक यू। 5 सेकंड दिए। ये देखो भाई, उससे तो 100 रुपए का नोट लो जो यूरोप में बना रहा था। बेटा तू पैसे दे हमें उल्टा। अब 25,000 रुपए रह गए अल्लाह अल्लाह करके, ठीक है। अगला सवाल आपसे करने जा रहे हैं और वो है ये। हाँ भाई सवाल, मशहूर अदाकार चार्ली चैपलिन का ताल्लुक किस मुल्क से था? ए अमेरिका, बी फ्रांस या फिर सी बर्तानिया। अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका। मुझे बता रहे कैसे रखे अमेरिका, जो कर रहा है अमेरिका कर रहा भाई। कर दिया भाई। सही है? कर दिया। पक्की बात है? आखिरी फैसला। शामिर 1899 में पैदा हुए थे चार्ली चैपलिन, बताओ बेटा कहाँ पैदा हुए थे? यूरोप बोल दो। टंडो आदम। अरे नहीं वहां की सिज्जी होती है। सॉरी माय फॉल्ट। हाँ चेंज कर सकती हूँ क्या? कपड़े तुम फिर चेंज कर रही हो? प्लीज ना कर लो चेंज। करो, कहाँ करोगी चेंज? अब कहाँ पैदा हो गया? बर्तानिया में हो गया पैदा, ये ठीक है। हाँ भाई कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में। अच्छा वेरी गुड सर, बड़ा कॉन्फिडेंटली आपने गलत बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ कामरान साहब जी, कामरान साहब चार्ली चैपलिन साहब कहाँ से ताल्लुक था? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी बर्तानिया।
अमेरिका. पंजाब छोड़ के बताना है. अमेरिका. अमेरिका. वेरी गुड. ये ग्रीन कपड़ों में बताएगी मेरी बहन. हाँ बहन. चार्ली चैपलिन. कहाँ? तुम्हें क्या मसला है? अच्छा 25,000 वो पैदा कर रहे वहां रखी जा रही. बेटा तुम कुछ भी करो. हाँ बर्तानिया. अब बर्तानिया चले गए. वेरी गुड यार. हाँ भाई सना तुम्हें तो पता ही होगा कहाँ पैदा हुए चार्ली चैपलिन. बर्तानिया और फ्रांस दोनों में से कोई एक है. असल में नहीं नहीं असल में कमाल किया. ट्रेन में पैदा हुए. कमाल किया. रास्ते में जा रहे थे बॉर्डर क्रॉस करते हुए पैदा हो गए. अच्छा भाई 10,000 आपने आधा ही अमेरिका में पैदा हुए हैं और 15 कुछ आधे से थोड़ा ज्यादा ये बर्तानिया में पैदा हुए. आइए देखते हैं चार्ली चैपलिन द लेजेंडरी चार्ली चैपलिन कहाँ पैदा हुए. और ये है जनाब बर्तानिया. क्या खुश हो रही हो 15,000 पे. अभी आखिरी सवाल है इंशाल्लाह गवाओगी. आओ देखते हैं आखिरी सवाल. और सवाल है जनाब ये आबादी के लिहाज से इनमें से सबसे छोटा मुल्क कौन सा है. ए यूएसए, बी इंडोनेशिया, सी रशिया. शामिर रेडियो रख दिया. शामिर गूगल कर ले फटाफट से. उन्होंने रख दिया. क्या हुआ ये आबादी का बड़ा पता है तुम लोगों को भाई. इतना कॉन्फिडेंट. अमृता. अमृता. हाँ अमृता कहाँ. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया सबसे छोटा आबादी. ओके सना तुमको पता है बताओ. इंडोनेशिया. मुझे तो पता चला कराची की सबसे कम आबादी. इंडोनेशिया. ऐसा नहीं मर्दम शुमारी का मसला है कुछ. ये बताएगी कंचिया वाली लड़की. लड़की क्या नाम है तुम्हारा. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया नाम है तुम्हारा. अरे वाह अच्छा नाम है बेटा. वेरी गुड नेम. थैंक यू. क्या नाम है तुम्हारा. रफिया. हाँ बताओ कहाँ हुआ. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया की सबसे कम आबादी है. ओके ठीक है. आपको क्या लगता है बहन. रशिया. माइक में बताओ. सर्दी लग रही है. आपको सर्दी लग रही है. हाँ बताओ कहाँ है. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया कहाँ रखा तुमने. इंडोनेशिया में रखा है. वेरी गुड. कुछ बदलना तो नहीं है. एक मिनट. वो कॉन्फिडेंट आदमी कामरान साहब बड़े कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं ये. हाँ सर बताइए कहाँ है. सर सही है. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया सही है. तुमसे तो पूछा ही नहीं. माय स्टार फ्रेंड. ये तो यूरोप बोलेगा. बताओ क्या करना है. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया. अमेरिका नहीं है. पक्की बात. ओके डन. आइए देखते हैं 14 करोड़ की आबादी है भाई ये मुल्क. अब ये कौन सा मुल्क है. लेट्स सी कि क्या इनका ये जवाब 15,000 रुपए सही है या फिर नहीं. और सही जवाब है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जाके बैठ जाओ मेरी बहन. बहुत से दूसरा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जोड़ा हंसों का जोड़ा. आइए आइए फटाफट से आ जाइए. कांपना तो शुरू नहीं हो गए. परेशानी की कोई बात नहीं है. किसी को पता नहीं चलेगा. सिर्फ पाकिस्तान देख लेगा कि कुछ नहीं आ रहा है. ठीक है. क्या नाम है मेरी बहन. आपका माइक उठाए. ये लीजिए सर आप भी उठाए. क्या नाम है. वालेकुम सलाम. क्या नाम है. हाँ मीना. मीना. आपका. मोइज़. और मीना क्या लगते हैं दूसरे के. भतीजे. वेरी गुड. अब देखते हैं कि भतीजे मतलब आपके हुई मामी. भाई का बेटा. चाची. चाची हुई ना. चाची और चाची का भतीजा. लेट्स सी क्या होने जा रहा है. मतलब कि दोनों जनरेशन साथ हैं. अब या तो दोनों जनरेशन बहुत ठीक होंगी या दोनों फारिग होंगी. शुरुआत करते हैं. ओके पहला सवाल और वो है ये हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस सूबे में वाके. खैबर पख्तूनख्वा ए बलूचिस्तान, बी या फिर सी पंजाब. शामिर. शामिर बताएगा. शामिर बेटा हिंगोल नेशनल पार्क. फिर माँ से पूछ रहा है. हर बात माँ से पूछ रहा है. शादी के टाइम पे भी बेटा ऐसे ही माँ से पूछना जैसे अभी पूछ रहा है. कहाँ है. सारे रखो. अमेरिका. कहते अमेरिका में भेज देते इसको. अमेरिका. खैबर पख्तूनख्वा. खैबर पख्तूनख्वा में डाल दिया. ठीक किया. ये ऑरेंज कपड़ों वाली बताएगी लड़की. हाँ भाई बच्चे कहाँ पे बेटा. हिंगोल नेशनल पार्क. यही गुलशन में पीछे हो भी सकता है. सफारी पार्क के बराबर में हो सकता है. बताओ. बलूचिस्तान पहुंचा दिया. ऑप्शन बलूचिस्तान. ठीक है ये बताएगी लड़की. हाँ लड़की क्या नाम है तुम्हारा. हाँ बेटा बताओ. खैबर पख्तूनख्वा. हाँ भाई आदि कहाँ है. बलूचिस्तान. इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा तू मुझे. आपको बता रहा हूँ बलूचिस्तान. अच्छा ठीक है. आपने कहाँ रखा सर. सर बलूचिस्तान. भाई ओके डन. अब आदि किने कितने पैसे वहां रखे और कितने पैसे पंजाब पे रखे हैं. 35,000 इन्होंने रखे पंजाब पे. 35 यहाँ 65 जो है इन्होंने बलूचिस्तान में डाल दिए. ओके सर किसका फैसला था दोनों में से. म्यूचुअल फैसला. ओके डन. आइए देखते हैं क्या है सही जवाब. हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस सूबे में है. खैबर पख्तूनख्वा, बी बलूचिस्तान या फिर सी पंजाब. और सही जवाब है बलूचिस्तान. वेरी गुड भाई बहुत अच्छा किया. 65,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं. अगला सवाल करने जा रहा हूं. इस सवाल के जवाब के लिए आपके पास है 40 सेकंड. ओके और सवाल है जनाब ये
उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? ए इब्ने इंशा, बी पत्रस बुखारी, या फिर सी अशफाक अहमद? शामिर, तसनीफ क्या होता है? ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई किताब नहीं लिखी गई, इसका उन्वान था। उन्वान समझते हो क्या होता है? उन्वान अमेरिका यूरोप। उन्वान का क्या मतलब होता है पगले, बताना। मतलब नाम था उसका, किताब का नाम। किसने लिखी थी? पत्रस बुखारी। ठीक है भाई। सर कामरान साहब चुप हो गए। कामरान साहब बताना पड़ेगा। नहीं, कामरान साहब बताना पड़ेगा। सर आप बोल दे, वनीला बोल दे। अभी तक कोई एक तुक्का तो ठीक लगे, लगाओ तुक्का, टेंशन नहीं है, घर जाके होनी तो है वैसे भी आपके साथ, अब जो भी हो। हाँ बेटा, अपना मिसबा नहीं, क्या नाम था? मिसबा, बिस्मा, बिस्मा बताओ क्या है जवाब? अशफाक अहमद। अशफाक साहब ने, हवा में तुक्के चल रहे हैं। हाँ भाई, इंडोनेशिया क्या लगता है? इब्न इंशा। क्या? इब्न इंशा। वाह वाह, तंज व मजाक से भरपूर ये तस्नीम, उर्दू की आखिरी किताब। इन लोगों ने 5,000 रुपए, ये पता है आगे, 5,000 रुपए पत्रस बुखारी पे, ये सवाल की नजर उतारी है, और अशफाक अहमद साहब पे पूरा मुद्दा डाल दिया आप लोगों ने, मतलब के 55,000 रुपए। बाय द वे, तंज व मजाक की ये किताब थी, इसका मतलब है इट वॉज क्वाइट अ फनी बुक, सार्केस्टिक थी, और अशफाक साहब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने कभी मजाक किया नहीं, तो या तो आप लोग मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ तो गड़बड़ है। कर लें, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। पत्रस बुखारी में डाल दिया, अगर यहाँ कोलंबस होता कसम से उस पर भी डाल देते। ओके, 10,000, 20,000, 25,000, 5,000 रुपए यहाँ, और यहाँ पे 35,000। आइए देखते हैं उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है, और सही जवाब है, सही जवाब है इब्ने इंशा, 5,000 रुपए। मान ले 5,000 रुपए यही किसी को बांट के चला जा वाकई में। ये आखिरी सवाल पूछूं? नहीं, ये भी चले जाएंगे, मुझे यकीन है। आखिरी सवाल मुश्किल होता है, पूछेंगे। ये बेटा अंदर करो पैसे, अब देखते हैं, लड़का हौसले में है, लेट्स सी, आखिरी सवाल करने जा रहे हैं 5,000 रुपए बचाने के लिए, और वो है ये। गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को कहा जाता है? ए जोहान्सबर्ग, बी लंदन, या फिर सी दुबई? ये पता है इसने दुबई क्यों रखा? क्योंकि अरबियों को सोना पसंद है। आंखें बंद करके पैसा फेंक दिया इसने दुबई पे, चेक करें आप भतीजे के काम। ठीक है भाई, ठीक है, 5,000 में गोल्ड का एक सिक्का भी ना आएगा। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब, और सही जवाब है जनाब, जनाब ये इसने सिर्फ अरबियों का सोच के किया है, इसको अरबी दिख रहे थे। बेटा दुबई से ज्यादा गोल्ड तो यार में है, सोचने वाली बात है, जाओ बेटा घर जाओ।